ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे टोक्यो रेवेंजर्स के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5 आ चुका है। और मुझे पता है यार, इस बार मैं वीडियो टाइम पे नहीं डाल पाया क्योंकि यार मैंने थोड़ा चेंजेस किए अपनी लाइफ के अंदर। मैंने एक न्यू कार परचेज की है, तो जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको ये चीज पहले से पता होगी क्योंकि मैंने वहां पे अपडेट भी किया था। तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में काफी टाइम लगा मेरे को, और एक्साइटमेंट के चक्कर में वीडियो मैंने सोचा चला यार थोड़ा डिले कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से मेरे को वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला, एक्साइटमेंट में लोगों से बात बात करने में ये सब में निकल गया टाइम। बट अभी मैं फाइनली फ्री हो चुका हूँ और अभी मेरे ऊपर भी काफी ज्यादा वर्कलोड आ चुका है। अभी टोक्यो रेवेंजर्स की वीडियोस के साथ साथ वन पंच मैन का भी न्यू चैप्टर आ चुका है जो कि मैं अनएक्सप्लेन पे डालता हूँ। तो जिन लोगों ने भाई उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो लोग वहां पे उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आज थर्सडे है और थर्सडे की रात को आपको पता ही क्या होता है, जुजुत्सु कायसेन का न्यू एपिसोड आता है। तो यार आज रात में मेरे को जागना भी पड़ेगा, तो यार जल्दी जल्दी मैं खुद भी ये सारा काम निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार अगर आप चैनल पे नए हो और आपने पहली बार मेरे चैनल की वीडियो देखी है और आपको पसंद आए अगर वीडियो तो लाइक कर देना, अगर कुछ ज्यादा पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर देना, उससे भी ज्यादा पसंद आया तो भाई सुपर थैंक्स दे देना, ठीक है ना। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एमा के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब वो काफी छोटी हुआ करती थी। तो उसकी मॉम यहाँ पे उससे यही कहती है कि मेरे को कहीं पे जाना होगा, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ग्रैंडपा के साथ रहो। भले एमा अपनी मॉम से पूछती है कि आप वापस कब आएंगे, तो वो कहती है कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। तो एमा मन में यही सोचती है कि यार उस दिन उसकी मॉम काफी ज्यादा तैयार होके जा रही थी, उनके लिप्स काफी लाल लग रहे थे और साथ ही साथ उनकी ड्रेस वगैरह काफी अच्छी थी और उनमें से स्मेल भी काफी अच्छी आ रही थी, खुशबू आ रही थी फ्लावर्स की, ठीक है। उस दिन यहाँ पे एमा को अपनी मॉम की रियल फीलिंग्स पता चल जाती है। अब ये फीलिंग्स हमें बाद में बताया जाएगा क्या है, ठीक है। अभी भी हमें पास का सीन दिखाया जाता है उसके ग्रैंडपा का, और इधर शिनिचिरो माइकी और एमा होते हैं और ग्रैंडपा यही कहते हैं कि आज से तुम तीनों के तीनों भाई बहन हो। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे शिनिचिरो कहता है कि मैं काफी स्मार्ट हूँ, मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा कहीं ना कहीं, बस मेरे प्यार में मत गिरना। तो एमा कहती है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल बड़ा बेकार है। तो यहाँ पे माइकी और शिनिचिरो दोनों के दोनों ही लड़कियों को समझ नहीं पाते, इनके बीच में यही बातें होती है। जब एमा इधर आती है तो इस जोजो के अंदर भाई ऑब्वियसली प्रैक्टिस वगैरह हो रही होती है कराटे वगैरह की, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बाजी भी मौजूद होता है। भले शिनिचिरो से काफी ज्यादा कूल लगता है लेकिन ग्रैंडपा बाजी को यही कहते हैं कि तुम उसकी तरह मत बनना, वो तो आवारा है ऐसे घूमता रहता है वो, ठीक है। भाई दूसरा भाई माइकी यहाँ पे अपने स्किल्स शो ऑफ करता है, वो भाई उछल उछल के किक वगैरह मारता है। तो बाजी सोचता है भाई ये इतना कमाल का कैसे है, तो ग्रैंडपा बताता है क्योंकि ये बंदा एक जीनियस है, ये मेरा पोता है इसलिए। यहाँ पे बाजी माइकी के पास आता है उससे मैच करने के लिए, वो उसे ऑफर करता है लेकिन माइकी कहता है मेरे को उससे पसीना वसीना आ जाएगा भाई, मैं नहीं करने वाला तुमसे कोई मैच वैच। तो बाजी कहता है कि तो तुम फिर यहाँ पे आए क्यों भाई, पसीना तो आएगा ही, कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा। तो बाजी नोटिस करता है कि पीछे एक लड़की खड़ी होती है, तो वो उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो माइकी बताता है कि वो मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर। अब ऑब्वियस सी बात है ये लोग यहाँ पे जापान के अंदर है लेकिन जो एमा नाम है वो एक तरीके से फॉरेनर नाम है इन लोगों के लिए, जिसके आज ये तीनों साथ में बैठ जाते हैं और माइकी और बाजी दोनों के दोनों एमा के नाम का थोड़ा मजाक टाइप उड़ाने लग जाते हैं, या फिर मैं कहूँ वो अपना फैंटेसाइज करने लग जाते हैं। जैसे बाजी कहता है फिर आज से मैं अपने आप को एड बोलूंगा जो कि शॉर्ट होता है एडवर्ड के लिए। तो माइकी कहता है ठीक है फिर मैं आज से अपने आप को माइकी बुलाऊंगा जो कि शॉर्ट होता है माइकल के लिए, क्योंकि भाई माइकल और एडवर्ड दोनों के दोनों भाई फॉरेनर्स के नाम है, जिसके आज ये दोनों यहाँ से उठ के भाग जाते हैं। लेकिन भाई दूसरी ओर एमा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो यही कहती है कि मेरे को समझ आ चुका है कि मेरी मॉम को कैसा फील होता है, मेरी मॉम मेरे से काफी ज्यादा नफरत करती है इसलिए उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, उन्होंने कहा था वो अपना काम खत्म करके मेरे पास आ जाएंगी लेकिन वो आज तक कभी मेरे पास नहीं आई। तो यहाँ पे बेचारी रोने लग जाती है क्योंकि वो अपनी मॉम को काफी ज्यादा मिस कर रही होती है, साथ ही साथ उसको यकीन नहीं होता कि यार उसकी मॉम उससे नफरत करती है। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा शिनिचिरो यही बात कर रहे होते हैं कि यार एमा काफी ज्यादा उदास रहती है, बस ये लोग चाहते हैं कि वो खुश रहे हंसे। माइकी भी इनकी बात सुन रहा होता है। जब यहाँ पे एमा प्रैक्टिस कर रही होती है अपनी, तो माइकी उससे आके कहता है कि तुम गलत कर रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूं। लेकिन यहाँ पे एमा नाराज होती है क्योंकि ऑब्वियसली यार ये लोग उसके नाम का बार बार मजाक उड़ाते रहते हैं। तो माइकी आता है और वो कहता है कि आज से मैं तुम्हारे लिए माइकी हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे भाई का नाम माइकी होगा तो तुम्हें भी थोड़ा अजीब नहीं लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यार एमा फॉरेनर है तो यार उसके भाई का नाम भी थोड़ा अमेरिकन टाइप होना चाहिए, इसी वजह से माइकी ने अपना नाम माइकी रखा था। सही बताओ तो असल में आप जानते होंगे उसका नाम मांजिरो सानो है। ये सुन के एमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यही कहते हैं कि तुम सच में लड़कियों को नहीं समझते क्यों, है ना, मेरे को मेरे नाम से कोई दिक्कत नहीं है समझे। तो यहाँ पे वो हंसती है और माइकी कहते हैं कि ठीक है फिर मेरे प्यार में मत गिर जाना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यार अब हम सभी जानते हैं कि एमा किससे प्यार करती है, वो और कोई नहीं बल्कि ड्राकन है। उससे मिलने के बाद और इन सब लोगों से मिलने के बाद उसे कभी भी लोनली फील नहीं हुआ, अकेलापन महसूस नहीं हुआ। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे टोमान की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। उसे एक रात पहले इधर इनुपी माइकी से आके मिलता है और वो बताता है कि ब्लैक ड्रैगन टोमान के अंडर रहेगा, तो
माइकी ने उससे पूछा था पहले कि क्या तुम ब्लैक ड्रैगन के 11th लीडर नहीं बनोगे, तो इनू भी कहता है कि नहीं मैं नहीं बनने वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ताकेमिची हानागा की ब्लैक ड्रैगन का लीडर बने। जब उसने टाइजू का सामना किया था तभी मेरे को समझ आ चुका था कि हमारा नेक्स्ट लीडर ताकेमिची हानागा की होगा। तो माइकी यहाँ पे मना कर देता है और इनू भी कहता है नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको छीन रहा हूँ, वो अभी भी टोमान के फर्स्ट डिविजन को लीड करेगा। तो माइकी को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहता है कि देखो मैंने उसको ढूंढा था ना कि तुमने, ठीक है ना, तुम मेरे साथ रहेगा। तो माइकी ये बोल के पीछे मुड़ जाता है और इनू भी कहता है क्या भाई ये जलस फील कर रहा है क्या। तो माइकी कहता है कि अगर ताकेमिची खुद भी ब्लैक ड्रैगन का लीडर बनना चाहता है तो फिर मैं थोड़ा बहुत सोचूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और इनू भी ने फाइनली यहाँ पे टोमान की यूनिफॉर्म पहन रखी होती है और वो ये कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टोमान की यूनिफॉर्म पहनूंगा। भले ये सारे के सारे फर्स्ट डिविजन के मेंबर्स पिट के खड़े होते हैं और इनका मेन मकसद यही होता है कि इनको कोको को वापस लेके आना है टेंजिकू से। यहाँ पे माइकी इनुई से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि टेंजिकू अब हमारे ऊपर कब हमला करेगा। तो भाई इनू भी बताता है कि वो कल होगा जो कि है 22 फरवरी। कल के ही दिन 11 साल पहले ब्लैक ड्रैगन की शुरुआत हुई थी और अगर रिजाना सच में इतना ज्यादा फॉलो करता है शिनिचिरो सानो को तो कल का दिन उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल होगा और जो भी अटैक वो करने वाला होगा वो कल के ही दिन पे होगा। तो माइकी यहाँ पे तैयार हो जाता है और वो ये कहता है ठीक है फिर चलो हम उनकी बाट लगाएंगे। अब दूसरी ओर यहाँ पे हमें इजाना का सीन दिखाया जाता है और काकुची उसके पास भाग के आता है और वो कहता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब करो, समझे। तो इजाना कहता है कि चुप हो जाओ, यही एक तरीका है टोमान को हराने का। तो काकुची कहता है तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने वाले हो, मैं कभी भी मर्डर का साथ नहीं दे सकता। तो बेसिकली यहाँ पे इजाना शायद किसी का मर्डर प्लान कर रहा होता है। वही दूसरी ओर यहाँ पे हमें टोमान की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि टेंजुकी की फाइट से एक दिन पहले मतलब रात को ही हो रही होती है, तुम 12 बजे लगा लो, ठीक है, वो दिन शुरू हो चुका है जिस दिन इनकी लड़ाई होने वाली है। ओके, फर्स्ट डिविजन का मेन मकसद यहाँ पे होता है कोको को आजाद करना, टेंजुको को हराना, साथ ही साथ किसकी और इजाना की वाट लगाना। ओके, ड्रैगन बताता है कि ये लोग अपने आप को क्रिमिनल सिंडिकेट कहते हैं जिस वजह से ये हर वो तरीका अपनाएंगे जिससे वो जीत सके, फिर चाहे उनको वेपन ही क्यों ना यूज करना पड़े। अब आपको पता होगा टोमान भले एक बाइकर गैंग है लेकिन वो कभी भी किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं करते, वो हमेशा फेयर फाइट करते हैं। लेकिन भाई दूसरी ओर जो टेंजुको गैंग है वो काफी बुरे है। तभी यहाँ पे हकाई आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है फिर अगर वो बुरा है तो हम भी बुराई से ही लड़ेंगे और उनकी वाट लगा देंगे। वो आगे यहाँ पे बताता है कि टाका यानी कि मित्सुया और स्माइली दोनों के दोनों की वाट लगा दी गई है। वो लोग बाइक पे जा रहे थे तभी उनको ठोक दिया गया, जब वो जमीन पे गिरे तो उनको स्टील पाइप से बहुत बुरी तरह से मारा गया। तो जब ड्रैगन पूछता है कि वो है कहाँ पे तो हकाई ने उनको दोनों को ही हॉस्पिटल में पहुंचा दिया होता है बट वो बेहोश हो चुके होते हैं, उनके साथ एंग्री भी होता है। तो हकाई यहाँ पे यही प्रपोज करता है कि भाई हमारे ज्यादातर जो कैप्टन है वो हमारे साथ है नहीं, उनकी वाट लग चुकी है जिस वजह से टोमान के ऊपर काफी मुसीबत आ सकती है अगर वो फेयर फाइट करेंगे, तो इसी वजह से उन्हें भी ऐसे गलत तरीके ही अपनाने चाहिए। यहाँ पे टाकेमिची भी मन में कहता है कि हाँ यार ये बात तो सही कह रहे हैं, सारे के सारे लोग मान जाते हैं उसकी बात। लेकिन तभी यहाँ पे पेय आना आता है, वो कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम हारने से इतना डरते हो कि तुम वेपन्स का इस्तेमाल करोगे। पाचिन इसीलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि उसने वेपन का इस्तेमाल किया था जिसके बाद मैंने ड्रैगन के ऊपर हमला किया, मैंने भी गलत तरीके से लड़ाई करने की कोशिश की थी लेकिन फिर माइकी ने मुझसे ये कहा कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ आज। हकाई मुझे पता है कि तुम्हें मित्सुया और स्माइली की काफी ज्यादा चिंता हो रही है लेकिन माइकी को देखो क्या वो हंस रहा है। यहाँ पे माइकी भी भाई सीरियसली खड़ा होता है और वो यही कहता है कि हकाई तुम मित्सुया और स्माइली के पास रहो। तो यहाँ पे भाई हकाई को तो गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैं भी बदला लेना चाहता हूँ, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता। तो माइकी यही कहता है कि जब वो लोग जागेंगे तो वो दोनों भी लड़ाई में आने के लिए जिद करेंगे लेकिन तुम उन्हें लड़ाई से दूर रखना। फर्स्ट डिविजन तुम अपना मिशन कैरी करो। तो आप जानते हैं भाई फर्स्ट डिविजन का जो मेन मकसद है वो है कोको को वापस लेके आना। वही दूसरे माइकी पूरे गैंग को कहता है कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले कोई भी कैप्टन तुम्हारा साथ नहीं देगा लेकिन तुम लोगों को सिर्फ मेरी ही जरूरत है। तो ऑब्वियसली यार इन लोगों के पास माइकी है तो इनका चांस है कि ये लोग जीत सकते हैं। सुबह के टाइम पे इनूपी और ताकेमिची दोनों के दोनों शिनिचिरो की ग्रेव के पास आते हैं और इनूपी बताता है कि ताकेमिची हानागा की 11th लीडर है ब्लैक ड्रैगन का। यहाँ पे ताकेमिची भी कहता है कि मैं भी ब्लैक ड्रैगन को एक काफी अच्छी गैंग बनाऊंगा और उसकी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। तभी यहाँ पे जाना भी आ जाता है, वो भी इस ग्रेव पे आया होता है भाई शांति के लिए, ऑब्वियस सी बात है उसको दिख जाता है यहाँ पे कि भाई ब्लैक ड्रैगन की एनिवर्सरी पे यहाँ पे एक नया लीडर बन रहा है ब्लैक ड्रैगन का। यहाँ पे इनूपी इजाना का भाई गला पकड़ लेता है और वो उसको मारने वाला होता है, वो कहते हैं तुम प्लान क्या कर रहे हो, क्या करोगे कोको का तुम। तो भाई इजाना कहता है कि वो तो अपनी मर्जी से मेरे पास आया है, इसमें मेरी क्या गलती है और अब मेरे को तुमसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तभी पीछे से यहाँ पे माइकी आ जाता है, इनूपी को रोक देता है और उसके साथ साथ यहाँ पे एमा भी होती है। माइकी कहता है कि ताकेमिची एमा को यहाँ से दूर लेके चले जाओ। भाई दूसरी ओर हमें
किसके के सीन दिखाए जाते हैं जिसके हाथ में एक स्टील का बैट होता है और हानमा उसे पिकअप करने के लिए आता है और वो कहता है कि क्या सच में तुम अपने हाथ गंदे करना चाहते हो। तो किसके कहता है कि हाँ मैं ये काम किसी और के ऊपर नहीं छोड़ सकता। तो ये लोग बाइक पे बैठ के कहीं निकल जाते हैं। भाई दूसरे यहाँ पे हमें फिर से ताकेमिची और एमा का सीन दिखाया जाता है। एमा बताती है कि अच्छा तो यही है मेरा बड़ा भाई जो पहले हुआ करता था, ये काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, मैंने बचपन में उसको देखा था इसलिए मेरे को कुछ खास याद नहीं। भाई दूसरे इजाना बताता है कि आज रात 8 बजे सारे टोमान को लेके योकोहामा के 7th पेयर पे आ जाना। तो माइकी हम इस खेल को अब फाइनली खत्म करने वाले हैं। एमा यहाँ पे यही सोचती है कि यार ये बॉयज हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं जबकि ये दोनों के दोनों भाई हैं, तो इनको लड़ना क्यों जरूरी है। इनविंसिबल माइकी जो कि टोक्यो मांची गैंग का लीडर है वो हमेशा अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाता है जबकि शिनिचिरो के डेथ के बाद भी वो वैसा ही रहा, बाजी के मरने के बाद भी वो बिल्कुल स्ट्रॉन्गली खड़ा रहा। माइकी अपनी कमजोरी कभी भी किसी को नहीं दिखाता लेकिन असलियत में आज भी वो अपने फटे हुए कंबल के बिना सो नहीं पाता, वो अभी भी एक वीक बच्चा है जैसे पहले हुआ करता था, जैसे तुम हो और जैसे मैं हूँ। तो हम ये कहते हैं कि अगर उसको कभी कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी उसे बचाने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे याद करती है कि माइकी ने भी उसके लिए यही किया था। यहाँ पे हेमा को काफी कूल फील हो रहा होता है ये सब बोल के, लेकिन यहाँ पे ताकेमिची याद करता है कि फ्यूचर में यार माइकी बुरा बन जाता है किसी तरह जबकि उसके पास एमा भी थी, तो ऐसा कैसे होता है। तो एमा कहती है कि क्या तुम कुछ पियोगे, तो यहाँ पे कुछ पीने के लिए लेने जाती है। वही दूसरी ओर हमें किसकी और इजाना का सीन दिखाया जाता है, साथ ही साथ काकुचो पीछे से बोल रहा होता है कि प्लीज दोबारा से सोच लो क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। तो इजाना कहता है हाँ। किसकी कहता है कि तो अब से तुम माइकी के इमोशनल सपोर्ट बनना, और वो ये बोल के यहाँ से चला जाता है। और किसकी ये कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, इसके बाद वो टोमान पूरा हो जाएगा जैसा मैं चाहता हूँ। यहाँ पे हानमा भाई बहुत तेज बाइक भगा के ला रहा होता है ताकेमिची और एमा की ओर, और किसकी के हाथ में भाई बैट होता है और वो काफी बुरी तरह से चिल्लाता है। यहाँ पे ताकेमिची ने किसकी को देख लिया होता है और वो यहाँ पे भाई बचने के लिए तैयार होता है एकदम से, तभी यहाँ पे भाई किसकी आता है और वो एमा के सर पे भाई ये बैट मार के चला जाता है जिसके बाद एमा नीचे गिर जाती है और वो बेहोश टाइप हो जाती है। भाई सील का बल्ला मारा भाई सर में। यहाँ पे हानागा की मन में कहता भाई दिमाग खराब है क्या किसी की का, ये बंदा लड़कियों के ऊपर भी हमला कर सकता है। ये लोग यहाँ पे बाइक से भाग जाते हैं और भाई यहाँ पे ताकेमिची आता है एमा को उठाने की कोशिश करता है और वो कहता है यार मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, भले मैंने ड्रैगन को भी बचाया किसी की को टोमान से बाहर निकाल दिया लेकिन उसके बाद भी कभी भी कुछ भी चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रीजन ये था। तो यहाँ पे भाई वो रोने लग जाता है, उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी माइकी भी इधर आ जाता है और वो पूछते कि क्या हुआ। तो ये सब देख के इजाना यहाँ से चला जाता है और ताकेमिची बताता है कि भाई किसी की का हाथ है इन सबके पीछे, किसी की ने उसके ऊपर अटैक किया बाइक पे आया वो। तो यहाँ पे ताकेमिची एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है लेकिन माइकी कहता है नहीं पास में हॉस्पिटल है, इसको मेरी पीठ पे बैठाओ मैं लेके जाता हूँ इसको। इनोपी जल्दी से आगे भाग के जाता है हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करने के लिए और ये दोनों भाई साथ में चल रहे होते हैं। यहाँ पे हल्का सा होश आता है एमा को और वो कहते हैं मैं हिल नहीं पा रही बिल्कुल भी। तो माइकी बताता है कि तुम्हें याद है जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारा पैर टूट गया था एक बार, तब के बाद से अब मैं तुम्हें ऐसे पीठ पे बैठा के लेके जा रहा हूँ। एमा भली कहती है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो, लेकिन माइकी कहते हैं पागल जैसी बात मत करो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो एमा कहती है लेकिन फिर भी तुम ड्राकन को बता देना कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और ताकेमिची माइकी का ख्याल रखना मेरे लिए, जिसके बाद यहाँ पे भाई उसकी ग्रिप छूट जाती है हाथों की और वो ऑब्वियसली यार मतलब डेथ हो चुकी होती है उसकी, मर चुकी होती है वो। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे माइकी उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, वो कहता है कि वैसे तो मैंने ड्राकन से सीक्रेट रखा था एमा ये, लेकिन सच बताओ तो वो भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है। ये तो है कि वो हम दोनों के बीच की बात थी, उसे बताने के लिए मना किया था लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया ठीक है ना। मैं ये सोचता हूँ कि तुम दोनों एक ही घर में रहोगे, तुम्हारा छोटा सा बेबी भी होगा और फिर उसके बाद मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे, हम मित्सुया और ताकेमिची को भी तुम्हारे घर पे बुला लेंगे और मैं रात में लेट रुकूंगा जिसके बाद हम फालतू हरकतें करके तुम्हारे बेबी को उठा देंगे और फिर तुम हमारे ऊपर चिल्लाओगे और हमें मारोगी। तो यार ये सारा विजन हमें दिखाया जाता है और ये सब माइकी सोच रहा होता है लेकिन असलियत में यार शायद मुझे नहीं पता ये सब नहीं हो पाएगा शायद। और यार ये वाला एपिसोड पूरा का पूरा एमा को डेडिकेटेड था क्योंकि यार एमा की डेथ हो चुकी है। इवन जो हमारा आउट्रो सॉन्ग है उसको भी काफी ड्रास्टिकली चेंज किया गया है एमा के लिए, पूरा सॉन्ग जो एंड वाला है सीएमआई ने वो एमा के साथ दिखाया गया है। तो ये वाला एपिसोड आप देखना, इसमें ज्यादा एक्शन नहीं था बट स्टिल ये काफी शॉकिंग एपिसोड था हमारे लिए कि एमा की डेथ हो जाती है और ऑब्वियसली यार हमें कभी दिखाया नहीं गया था फ्यूचर में एमा को, शायद ये रीजन है कि इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यार एमा होती नहीं है फ्यूचर में। तो यार अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, वो यार मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। आप बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा है और भाई रेस्ट इन पीस RIP एमा, क्या कर सकते हैं यार कुछ नहीं कर सकते अभी तो हम, बट बुरा तो लगा यार मेरे को। वैसे क्या ही बोले यार एनिमे की यही बात है, हम कनेक्ट करने लग जाते हैं करेक्टर से और तब वो करेक्टर को हमसे छीन लिया जाता है। एनीवे ज्यादा भावुक ना होते हुए अभी हम ये वीडियो एंड करते हैं और रात में भाई जुजुत्सु कैसन की वीडियो आएगी तो रात में वेट कर लेना, जल्दी लाने की कोशिश करूंगा ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज
लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।